लॉ ऑफ एवरेज पे ध्यान रखिएगा, 10-6-3-1 का रेशियो है। लोगों को प्लान दिखाइए, एवरेज आपके साथ जरूर काम करेगी, ठीक है। लोगों को प्लान दिखा दिया, वेरी गुड। पर्सनली फॉलो अप बहुत जरूरी है। कई लोग फोन पे शुरू हो जाते हैं, और कैसा लगा प्लान, कैसा लगा प्लान, फोन पे शुरू हो जाते हैं, सामने वाला कहता है कौन सा वाला जो हम परसों देख के आए थे, हाँ हाँ वही, हाँ ठीक है बताता हूं। कहां पे है तू? अभी तो मैं देहरादून में हूं। घर में बैठा होगा। फोन पर अक्सर लोग झूठ बोल जाया करते हैं, इसीलिए पर्सनली फॉलो अप पर्सनल जाके कीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन आप अकेले मत जाके बात कीजिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है, पेआउट्स अच्छे आपके हाथ में नहीं है, प्रूफ नहीं है, क्या कमाया ये नहीं पता, क्या दिखाएंगे जब है नहीं। तो सामने वाला तो एक ही क्वेश्चन करेगा, तूने क्या कमाया, जरा तू दिखा ना, तू दिखा दे दो चार अपने चेक, तो मैं जुड़ जाता हूं। और अभी आप जुड़े ही जुड़े हैं, अब आपके पास पेआउट भी नहीं है, अब क्या दिखाओगे? तो उस टाइम किसका साथ लोगे? ड्राइवर कौन, गाड़ी कौन चलाएगा? हाँ, अब अपलाइन अपने पेआउट दिखा के आपके गेस्ट को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि अपलाइन थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी अप्रोच, अपलाइन बताएगा, अपलाइन काउंसलिंग करेगा, अपलाइन पेआउट दिखाएगा, प्रूफ दिखाएगा, उनके हर नेगेटिव क्वेश्चन के आंसर अपलाइन देगा। तो क्या होगा, आपका गेस्ट जुड़ने के लिए यस करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। ना का तो मतलब ही नहीं है सर, आज नहीं करेगा 6 महीने बाद करेगा। उसको पहले बता दो, अभी जुड़ता तो बता, नहीं स्पीड लोगे बहुत नीचे जाएगा 6 महीने बाद। तो पर्सनली आपने उनको फॉलोअप करना है, फॉलोअप बिटवीन 24 to 48 hours, 48 hours, 24 से 48 घंटे के बीच में अगर आपने उसको फॉलोअप कर लिया तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज प्रेजेंटेशन के बाद जो गेस्ट होता है वो उस खाने की तरह हो जाता है जो ताजा नहीं है, और एक हफ्ते के बाद आप खाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना बनाया है आज और एक हफ्ते के बाद आप खाना खाओगे तो क्या खाना खा पाओगे? अच्छा सर, देखो इनको भी मालूम है, सर के लिए तालियां हो जाए। बिल्कुल बेकार हो जाएगा, लेकिन ताजा खाना खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, बीमारियां नहीं होती। तो इसीलिए ताजा ताजा प्लान दिखाया हुआ इंसान के दिमाग में 100% प्रेजेंट रहता है। 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में अगर आपने उसका फॉलोअप किया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और खुद सेटिस्फाइड हो सकता है। लेकिन अगर आपने 2-4-5-6-7 दिन छोड़ दिया उसको अकेले और फिर उसके बाद उसका फॉलोअप कर रहे हैं तो क्या वो ज्वाइन करेगा? फिर बात आती है नेवर, नहीं मतलब ही नहीं बनता, वो टाल जाएगा, बहुत सारी बातें करेगा, नेगेटिव क्वेश्चंस करेगा, कुछ लोगों से मिलेगा, उनसे विचार विमर्श करेगा, वो उसको नेगेटिव कर देंगे, फिर वो आपको नेगेटिव करेगा, माहौल चेंज हो जाएगा, बहस चलेगी, बहस होगी, लड़ाई हो जाएगी, फिर आप कहोगे मत जुड़ कोई बात नहीं, फिर आप उससे बात करना बंद कर दोगे। अरे रिलेशन ही खराब कर लिया, क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि आपने 24-48 घंटे में उसका फॉलोअप नहीं किया था। गलती किसकी थी? आपकी गलती थी, उस गेस्ट की गलती नहीं है। वो जुड़ सकता था, वो जुड़ना चाहता था, लेकिन आपने उसको डिसीजन तक ले जाते छोड़ दिया। कितनी देर के लिए? एक एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया, 10-10 दिन के लिए छोड़ दिया। प्लान तो बहुत दिखा रहा हूं सर, लोग जुड़ नहीं रहे। अरे भाई प्लान तो तुम बहुत दिखा रहे हो, लेकिन जिनको दिखाते जा रहे हो उनको छोड़ते जा रहे हो, उनका क्या होगा जिनको प्लान दिखा दिया है? रोज 2 प्लान अगर दिखाने की आपको बात कही गई है कि रोज 2 प्लान आप दिखाइए, ये सक्सेस का राज है।
तो ये भी सक्सेस का राज है कि जिन दो लोगों को प्लान आपने कल दिखाया था उन दो लोगों का फॉलोअप भी जरूरी है। तो दो प्लान और दो फॉलोअप अगर आपने रोज किए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मॉर्निंग 7 to 8 AM जब आप लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे फॉलोअप के दौरान, या फिर इवनिंग में 9 से 10 बजे के बीच में जब लोग अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी चीज होगी, उनको ग्रीटिंग कार्ड्स या लेटर्स या फोन नंबर SMS करना ना भूलें, चाहे वो ज्वाइन कर गया हो या वो ज्वाइन नहीं किया हो। दोनों कंडीशन में आप कॉन्टेक्ट बनाकर रखेंगे अपने गेस्ट, अपने लोगों से, अपने रिलेशन से। ऐसा ना हो कि सामने वाला कहे, भाई साहब जब तक ज्वाइन नहीं कर रहे थे जब तक तो भाई साहब बहुत SMS कर रहे थे, बहुत ग्रीटिंग भेज रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब मैं ज्वाइन कर गया अब तो एक भी SMS नहीं आता, फोन तक नहीं आता। डाउनलाइन से अगर ये इस तरीके की फीलिंग्स आ जाएगी तो इसका मतलब आपका रिलेशन आपकी टीम के साथ अच्छा नहीं है। ऐसा भी ना हो कि इंसान ने ज्वाइन नहीं किया है और आपने SMS देने उसको बंद कर दिए, मिलना जुलना आपने उससे बंद कर दिया, नहीं ये भी गलत होगा कि जिसने आज आपके साथ जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा नहीं कि वो ज्वाइन कभी नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा, पहले वो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये देखेंगे कि आप सक्सेस हो रहे हो तो अब मैं जुड़ जाता हूं। हो सकता है वो 6 महीने बाद जुड़े, हो सकता है वो थोड़ा और टाइम लेके जुड़े। आप बिलीव करना सर, आज मेरे नेटवर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल के बाद मेरे साथ जुड़े, मेरी सिर्फ सक्सेस को देखने के बाद उनको यूटर्न मारना ही पड़ा सर, उनको यूटर्न मारना पड़ गया। शेयरिंग करनी है, जिस टाइम आप फॉलोअप करेंगे उस टाइम शेयरिंग करनी है। सबसे पहले आप अपने ड्रीम शेयर करने हैं, सबसे पहले हमने अपने ड्रीम शेयर करने हैं और अपने अचीवमेंट शेयर करने हैं। सामने वाले से ड्रीम मत पूछो, पहले अपने बताओ कि आपके क्या ड्रीम थे नेसेंट में आने से पहले और मैं उन्हें पूरा करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, उसके बाद उनके ड्रीम पूछिए, अब वो बताएंगे। अचानक ही आप जाके गोली दागना शुरू कर दो उन लोगों पे जिनका आपने फॉलोअप करना है, वो हिचकिचाएंगे, वो आपको बताने से कतराएंगे, क्योंकि बताना तो चाहते हैं लेकिन वो बताएंगे नहीं क्योंकि पता नहीं आप कौन है, आप पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन जब अपनी फीलिंग देंगे, अपने ड्रीम शेयर करेंगे, अपनी आप बीती थोड़ी सी बताएंगे, मैं ऐसे था लेकिन अब मैं धीरे धीरे ऐसे हुआ, मैं इस नेशन में ऐसे आया, ऐसे मैंने वर्किंग करी, मेरा पहला पे आउट ऐसे बना था, धीरे धीरे देखिए ऐसे ऐसे अचीवमेंट होती गई। सर वैसे आपके क्या ड्रीम्स हैं, फिर आप धीरे से उनसे पूछिए, फिर वो भी बताएंगे जरूर बताएंगे। तरीका होना चाहिए, वही सीखना है, वही सीखते वक्त आप कुछ गलतियां करेंगे और वो गलतियां आपको सिखा जाएंगी, अगली बार वो गलती आप नहीं करेंगे। लेकिन जब आप करोगे ही नहीं तो गलती होगी नहीं। लेकिन आप लोगों ने मेरे से कमिटमेंट ली है कि आप लोग गलती करने के लिए तैयार हो। कितने लोग गलतियां करने के लिए तैयार हैं सर? ग्रेट। मैंने कहा आपने पे आउट शेयर कीजिए, उसके बाद अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, ठीक है, और पॉजिटिव थॉट्स, जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स हैं अपनी, वो सब उनको बताइए, दिखाइए, समझाइए, मैंने नेसेंट को क्यों ज्वाइन किया, क्यों बताइए, क्यों ज्वाइन किया। जब आप अपने क्यों को बताएंगे तो उनको आप डिसीजन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ड्रेस कोड, लुकिंग परफेक्ट विथ टाई, ट्रैक सूट में पहुंच गए कई लोग, कुर्ते पजामे पहुंच गए, हवाई चप्पल में पहुंच गए, क्या फॉलो करके आप किसी की 6,850 की ज्वाइनिंग ले आएंगे? नहीं लेके आएंगे। लुकिंग परफेक्ट विथ टाई, क्लीन योर शेव, दाढ़ी बड़ी हुई है, सफेद काले बाल ढेर सारे गुच्छा बने हुए हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं, अस्त व्यस्त से नजर आ रहे हैं, खुद की बुरी हालत है और करोड़पति के नक्शे उनको दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये होगा, वो होगा, फलाना होगा,
पहले अपने को तो सवार ले, अपने को तो सुधार ले, मेरे को बना करोड़पति बनाने के लिए, खुद की हालत तो देख। मैंने कहा अपने आप को ये ऐसे दिखाना है, क्लीन योर शेव, पॉलिश योर शूज। इंसान की फितरत, इंसान की पॉजिटिविटी, इंसान की सोच दो जगह से पता लगती है, एक तो उसके जूते से और उसके घर के टॉयलेट से। ध्यान रखिएगा सर, शक्ल सूरत बहुत अच्छी, कपड़े बहुत अच्छे, जूते की तरफ नजर डाली धत्ते रही तो फटा हुआ मुंह खुला हुआ कहीं बुरा हाल है, जूते देख के इंसान समझ जाता है अच्छा हो गया काम इसका। तो घर में जाएगा, कोई गेस्ट आया कुछ आया, अगर उसको टॉयलेट में चला गया, परफेक्ट है, बढ़िया है, सुंदर है, मतलब स्मेल नहीं आ रही, साफ सुथरा है, तो लगेगा ये सफाई वाले लोग हैं। और टॉयलेट हुआ गंदा तो बस समझ लो, वहां समझ लेता है कि इनकी सोच कैसी लोगों की। तो मैं नहीं कह रहा, ये सच्चाई है कि दो जगह से पता लगता है इंसान का। तो पॉलिश योर शूज, लाइट कलर की शर्ट पहनी है, डार्क कलर की शर्ट या चेक्स पहन के फॉलोअप के लिए मत जाइएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट कलर शर्ट से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कलर्स पहनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाइट कलर पहनना है, लाइट कलर पहनना है, फॉर्मल कलर की पैंट पहनिए। ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, लुकिंग परफेक्ट विद टाई, क्लीन योर शेप, पॉलिश योर शूज, लाइट कलर की शर्ट एंड फॉर्मल कलर की पैंट। Am I right? क्या ये आप करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपना ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पंडित होते तो आप जनेऊ धारण करते, चोटी होती, गमछा होता ऑरेंज कलर का, तब मैं नहीं कहता आपको टाई पहनने के लिए। आप वकील हैं, आप काले रंग का कोट पहनेंगे, आप वो दो पट्टी की व्हाइट वो लगाएंगे, लोग दूर से कहेंगे एडवोकेट जा रहा है। जज होंगे लंबा सा कोट होगा, पादरी होंगे तो लंबा सा सफेद कोट होगा, हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। स्विमिंग पूल का ड्रेस कोड क्या होता है? बोलो बोलो, कॉस्ट्यूम, निक्कर और पूरे नंगे है, ड्रेस कोड है। अब उसी में कोई टाई वाई लगा के कोट वोट पहन के पानी में कूद पड़े, अब आप सोचो क्या होगा? लोग कहेंगे भाई साहब आत्महत्या कर रहा, पकड़ लो, है ना। हाँ, हर चीज का अगर ड्रेस कोड है तो भाई साहब हमारे बिजनेस का भी ड्रेस कोड है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, यहां पर अब ये तो आपकी सोच है भाई साहब, देख लेना, शायद ज्वाइनिंग आ जाए उसी से। यहां पर नेसेंट का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको टाई पहननी है। मैं किसी का कान पकड़ के ये नहीं कह रहा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने ड्रेस कोड अपना बिजनेस का ड्रेस कोड बना के प्रॉपर रखा, तो कहते हैं कि टाई पहन रखिए तो पुलिस वाला भी आपके गिरेबान पे हाथ नहीं डालेगा। ये ध्यान रखना सर, आप पढ़े लिखे हैं, आपके हाथ में डायरी है, पेन है, टाई लगा रखी है, अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं, आप लाखों की बात करेंगे विश्वास करता है सामने वाला, लेकिन आप अस्त व्यस्त हैं, बहुत बुरी हालत है आपकी, और 883 बस से उतर के आ रहे हैं, और आप कहेंगे आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, तू ही कमा ले पहले जा।